everyone. My name is Muneema Fatima. I'm lecturer in Department of Physics, Government College for Women, Shahr Alaqat, Karachi. आज हम चैप्टर 4 का पार्ट बी पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स. इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को कवर करेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन होती है अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहे. स्पीड जो है वो हमें पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि अगर हम लोग ये कहें कि ऑब्जेक्ट सर्कल में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जा सकता है क्योंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है. इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे कि एक बॉय है, अगर वो एक बॉल को रोप के साथ अटैच करके सर्कल में मूव करना शुरू कर दे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है. या एक सैटेलाइट जो है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रही होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है. या फिर एक रेसिंग कार जो कि सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही होती है, तो ये भी एक आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 चीज़ों को डिफाइन करना होता है और वो होती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन. ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको के हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्क्राइब करना होता है. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो ऑब्जेक्ट सर्कल में कैसे मूव कर रहा होता है. स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का. वेलोसिटी एक डायरेक्टेड क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है. अब अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग अगर हम लोग किसी भी सर्कल पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट होता है ये हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा होता है. हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि रेड एरोज से रिप्रेजेंट की हुई है वो चेंज हो रही है. तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज होना है इसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है और ये वेलोसिटी कहलाती है टेंजेंशियल वेलोसिटी. और हम लोग हर पॉइंट पर देखें तो जैसे कि ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक्सेलरेशन इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेकिन डायरेक्टेड इनवर्ड होता है, यानी कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल होता है. जो एक्सेलरेशन है जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल है. इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट पी से पॉइंट पी वन तक मूव करता है तो सर्कल के अलोंग, तो जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो है एस, और ये जो डिस्टेंस है ये आर्क बना रहा है, तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ. और जो एंगल हमारे पास कवर होता है इसमें वो थीटा कवर होता है. ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और इसकी ऐसा यूनिट है रेडियन. अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो तो फिर हमारे पास डिफाइन होती है एंगुलर वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम टी वन पर पी टी वन पर मौजूद है और टाइम टी टू पर पी टी टू पर होगा, तो पी टी वन पर इसका एंगल थीटा वन है जबकि पी टी टू पॉइंट पर इसका एंगल है थीटा टू. दोनों के बीच में यानी कि पी टी वन से लेकर पी टी टू तक जितना एंगल ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो है डेल्टा थीटा. तो इस डेल्टा थीटा को अगर हम लोग टी टू माइनस टी वन यानी कि डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. तो अब इक्वेशन की तरफ अगर हम लोग देखें तो मेगा इक्वल है थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन. थीटा टू माइनस थीटा वन चूंकि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए डेल्टा थीटा से रिप्लेस होगा और टी टू माइनस टी वन रिप्लेस हो जाएगा डेल्टा टी से. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोगों ने डिफाइन करनी है
तो फिर इसके लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत शॉर्ट हो रहा है, इतना शॉर्ट हो रहा है कि तकरीबन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम लोग ये लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के तौर पर डिफाइन होती है, और ये इक्वल होती है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इस तरीके से जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट हमारे पास आती है, ये हमारे पास आती है रेडियन पर सेकेंड। अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और ये इक्वल होता है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। ओमेगा वन टाइम टी वन पर एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा टू टाइम टी टू पर एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डेल्टा ओमेगा के इक्वल, और टी टू माइनस टी वन डेल्टा टी के इक्वल आए। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए अगर हम लोग अगेन हम लोग लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी इज अप्रोचिंग जीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब जो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है वो होती है, ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और ये अगेन टाइम से यानी कि सेकेंड से डिवाइड हो रही है। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है एंगुलर एक्सेलरेशन की वो हमारे पास आती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है रोटेशन की। जो क्लॉक की नीडल होती है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है वो कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ये बॉल है, ये जब मूव करेगी तो ये मूव करी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड पर दूसरी बॉल को देखें तो ये जो मूव करेगी ये क्लॉक की नीडल की मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये कहलाती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहें, तो फिर हम लोग ये काम करते हैं कि जो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स होती हैं उसको हम लोग कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जो थंब होता है ये पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये राइट हैंड रूल कहलाता है। अब जैसे हम लोग एक बीड को एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जो रेड आप लोगों को डॉट नज़र आ रहा है, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कहलाएगी, और इस डायरेक्शन में हम लोगों ने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया हुआ है, और जो थंब है ये पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फर्दर एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया हुआ, तो जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो अपवर्ड है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। अब जैसे कि फिगर ए और सी में यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रोटेशनल जिस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है वो डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन अगर जैसे कि फिगर बी में है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की रोटेशन होती है वो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, रोटेशन स्पीड। अगेन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारे पास जो है वो अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी यानी कि आउट ऑफ द पेज आएगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो फिर जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज होगी। जैसे कि फिगर सी में है कि अगर हम लोग फिगर्स को कर्ल करें दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इनवर्ट टू द पेज डायरेक्ट करेगी। और जैसे कि फ़ैन होते हैं, जब हम लोग फ़ैन को टर्न ऑन करते हैं तो फ़ैन के जो विंग्स होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज, रोटेशन की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो हैं वो स्विच को ऑफ कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आज जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू। आखिर में अगेन हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोट शेयर करेंगे, सीक नॉलेज फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।